जाएगा राजीव। हाँ मैं भी तैयार हूँ बापू जी। तैयार? हाँ सब ले लिया ना? जी दादाजी। हाँ ले लिया सब ले लिया। अरे भाई टपुरा तुझे नहीं पूछ रहा हूँ, ये तेरे पापा को पूछ रहा हूँ, वो भुलक्कड़ है। ए भाई कुछ भूल तो नहीं रहा है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं भूल रहा हूँ, सब ले लिया बापू जी। बेटेलाल। अरे मेहता साहब भाई आई है। अरे वाह बाप बेटे दोनों बैग लेके तैयार है। हाँ। अच्छा मेहता साहब वो चलाल फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मुक्त होके जाओ। क्या क्या हुआ? नहीं चाची जी अभी कुछ देर पहले जेठाल का फोन आया तो उसने कहा कि वो बाहर जा रहा है और टप्पू भी स्टडी टूर के लिए यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ अकेले हो पीछे तो नहीं बस यही कहा था कि मैं आपका थोड़ा सा ख्याल रखूं, ध्यान रखूं। अरे भाई ये क्या क्या सबको कहते फिर रहे हैं मैं अकेला हूँ मैं अकेला हूँ। तो सबको कहाँ बापू जी, ये तो मेहता साहब है, ये तो घर के है ना। अरे घर के हैं बराबर है, लेकिन मैंने तुझे एक बार बोला ना कि मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ भाई। और तू कहाँ एक महीने के लिए जा रहा है, तीन दिन के लिए जा रहा है ना। चाचा जी शांत हो जाइए, जेठालाल के कहने का मतलब ये था आप ध्यान रख लो, मतलब अगर आपको कोई चीज की जरूरत हो तो। वैसे भी आप तो सक्षम है, आपका ध्यान रखने की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ तो टप्पू टप्पू रेडी? हाँ हाँ रेडी। अच्छा क्या आ गई? ओके चलिए दादाजी चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। जी दादाजी। बापू जी मैं भी चलता हूँ। एक मिनट चेट अंकल, आप भी हमारे साथ स्टडी टूर पे आओगे? हाँ तो टप्पू ये सब क्या है यार, मेरी कॉलेज ट्रिप है, उसपे पेरेंट्स अलाउड नहीं है। नहीं नहीं भाई टप्पू अभी छोटा है, इसको मैं अकेला नहीं जाने दे सकता। मैंने तो अभी हाथी भाई को भी फोन कर दिया, वो भी आ रहा है साथ में। टप्पू यार ये सब क्या है? अरे गोली पापा मजाक कर रहे हैं, पापा हमारे साथ नहीं आ रहे, पापा सूरत जा रहे बिजनेस टूर के लिए। क्या बेटा अंकल आप भी ना। चलो जाओ जाओ बेटा देर हो जाएगी, जाओ चल चल बाय दादा। बाय पापा। अरे बस बस जीते रहो बेटा। बाय मैं अंकल। बाय 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 बाय। तुम मजा आएगा। चल जेठे अभी तू भी जा, तुझे देर हो जाएगी है। हाँ बापू जी। और सुन सूरत पहुंच के तुरंत फोन कर देना। बापू जी सूरत तो आधी रात को आएगा। आधी रात को आपको फोन करूंगा तो आपकी नींद बिगड़ेगी। अरे भाई तेरा फोन नहीं आएगा तो मुझे नींद आएगी ही नहीं। नहीं बापू जी आप शांति से सो जाना, मैं सुबह आपको फोन कर दूंगा ना। कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से? क्या है ना जेठे रात की ट्रेन है ना, अगर तू ट्रेन में सो गया तो सूरत तो आधी रात को आएगा, वहां तो तू उठ नहीं पाएगा, तो सीधा अहमदाबाद ही पहुंचेगा ना। ठीक है मैं सूरत उतरते ही वो प्लेटफॉर्म पर से ही आपको फोन कर दूंगा, आप अपना मोबाइल अपने बाजू में रखना बाबूजी। ठीक। और बाबूजी वो रोज की तरह पद्मावती भोजनालय से नाश्ता खाना आ जाएगा, तो आप जरा टाइम पे खा लेना। और अरे भाई तुझे सूरत जाना है कि नहीं जाना है? नहीं नहीं जाना है बापू जी। तो भाई जा ट्रेन छूट जाएगी। चलो निकल जाए। अच्छा अच्छा ओके आइए। हाँ जैसे टैक्सी आ गई हुई है, ध्यान से जाना। बैंगलोर से वापस आ जाइए। सोनू के पीछे पीछे गए थे ना, हमेशा का है आपका, सोनू कहीं गई नहीं कि आपका उसके बारे में सोचना चालू। पर एक है माधवी, जब सोनू घर में नहीं होती ना तो पूरा घर खाली खाली लगता है। खरे खरे, लेकिन अभी से हमें उसके बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब? मतलब थोड़े साल के बाद ही सही, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे। लेकिन माधवी उसके बारे में हम लोग अभी क्यों सोच रहे हैं? हाँ और वैसे भी हम लोग अकेले कहाँ है, हम लोग है ना एक दूसरे के साथ, और अभी हमें चाचा जी के बारे में सोचना चाहिए। ओ जेठालाल गए सूरत, टप्पू गए स्टडी टूर के लिए, दैब अभी अहमदाबाद में, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, नाश्ता खाने का सब पूछ के आऊंगी। पर दिन में तो उनको कोई ना कोई मिल जाएगा माधवी, लेकिन मुझे चिंता है रात की, क्या वो आजकल अजीब अजीब सपने देखने लगे है ना, और सपने देखते उसको सच मान लेते। अभी वो जेठालाल का वो सेंदूरी का वाला सपना देखा था, पूरी सोसाइटी सर पे उठा ली थी उन्होंने। भगवान से प्रार्थना है कि रात को अच्छे से नींद आए तो सोसाइटी में भी शांति रहेगी।
ये जेठिया का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? 4 घंटे तो हो गए, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए। मैं ही फोन करके देखता हूं। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। लगता है अभी तक ट्रेन में ही होगा, इसलिए फोन नहीं लग रहा। ये फोन तो चालू है ना? मुझे बोल रहा था कि बापू जी मोबाइल पास में रखना, मैं फोन करूं। अब उसका एक कुछ ज्यादा पता नहीं। क्या एक उम्र का उगन से ट्रेन में कहीं सो तो नहीं गया होगा? अगर एक बार सो गया तो सीधा अहमदाबाद पहुंच जाएगा। मैंने बोला था उसे सुबह की ट्रेन लेना, लेकिन नहीं, वो जानता है वो अगर एक बार सो गया तो जल्दी उठ नहीं पाए। फिर भी अब उसके चक्कर में मुझे जागना पड़ रहा है। अब वो चक्कर ही का सूरत पहुंच गया कि नहीं? हेलो 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 आवाज आ रही है? हेलो हेलो जेठिया, तू सूरत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हेलो तो यहाँ टावर नहीं मिल रहा। हेलो हेलो जेठिया, तू फोन चालू रख ना, मैं बालकनी में जाता हूँ। हेलो जेठिया, अभी आवाज आ रही है? हाँ बापू जी, अभी आपकी आवाज साफ साफ आ रही है। अरे भाई कहाँ है तू? तू सूरत पहुँचा कि नहीं? मैं तो पहुँच गया बापू जी, बस टैक्सी में हूँ। मैं इसमें वकील के घर पे जा रहा हूँ। और तू सूरत उतर के तुरंत फोन करने वाला था, तूने फोन क्यों नहीं किया? अरे बापू जी, मैं कब से फोन लगा रहा था, लेकिन पता नहीं आपके मोबाइल पे फोन लग ही नहीं रहा था। अरे भाई मोबाइल लग नहीं रहा था तो घर के फोन पे फोन कर देता। नहीं, वो ख्याल मुझे आया बापू जी, लेकिन फिर मैंने सोचा घर के फोन पे फोन करूंगा तो आपको बेडरूम से बाहर निकल के हॉल में आना पड़ेगा फोन लेने के लिए, इसलिए फिर मैंने नहीं लगाया घर के फोन पे। अच्छा ठीक है ठीक है, देख अभी महेश भाई वकील के वहाँ पहुँच जा और फिर शांति से सो जाना। जी जी बापू जी, और आप भी अभी शांति से सो जाना। मैं सही सलामत सूरत पहुँच गया हूँ तो आप मेरी चिंता मत करना, ठीक है? हाँ, हाँ, चल रखता हूँ, शुभ रात्रि। ओके शुभ रात्रि बापू जी। मेरी नींद खराब ना हो इसलिए मेरे जेठिया ने घर के फोन पे फोन नहीं किया। कितना प्यार करता है मुझसे, ऐसा होनहार और आज्ञाकारी बेटा तो नसीब वालों को ही मिलता है। बराबर बंद नहीं हुआ है। Oh
टप्पू तो घर में है। अहो आपका फोन बज रहा है। अहो फोन बज रहा है आपका। सपने में बज रहा होगा। अहो सच में बज रहा है सपने में नहीं बज रहा है। उठिए ना। ओ उठा फोन बज रहा है आपका सच में। कौन? इतनी रात के जेठालाल के घर से फोन आ रहा है। जेठा तो सूरत गया हुआ है तो उसके घर से मुझे कौन फोन कर रहा है? टप्पू। ये टप्पू तो दिन भर मुझे परेशान करता ही है। अभी उसकी शरारत रात में भी शुरू हो गई है। देखो वो काय बड़बड़ता है। टप्पू क्यों फोन करेगा आपको? पूरी टप्पू से ना प्रोजेक्ट के लिए बाहर गई है ना। वो क्यों फोन करेगा? फिर फोन कौन कर रहा होगा? चाचा जी। चाचा जी मुझे क्यों फोन करेंगे? वो फोन उठाइए तो पता चले ना। हाँ। फोन क्यों कर रहे हैं? अर्जेंट कुछ काम होगा ना उनका। फोन तो उठाइए। आप फोन ही नहीं उठा रहे। अरे कितनी बोलते तू। फोन तो उठाने दो। लाज पर होत। हेलो जल्दी चला दो। अरे भला को डाल दो। जल्दी चला दो। अरे भला को डाल दो। हेलो कौन बोल रहा है? चाचा जी आप? अरे क्या हो गया आपकी आवाज को? और ये क्या बोल रहे हैं आप? बल्ला बल्ला कौन सी बल्ला? क्या हुआ? चाचा जी लगता है आपने नींद में गलत नंबर डायल किया। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी मोहनलाल मटका किंग नहीं हूँ मैं। और इतनी रात को आपको मोहनलाल मटका किंग से क्या काम आन पड़ा? हाँ चाचा जी सुन रहा हूँ मैं। बोलिए वो कुछ है। कहाँ क्या है? अरे मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ है। मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ है? क्या है? बच्ची है? बच्ची? किसकी बच्ची? अरे बच्ची 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 मोमबत्ती। मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती जल रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी? वो फ्लैट तो कब से बंद है। वहाँ पे कौन मोमबत्ती जलाएगा? आया? कौन आया? अरे आया नहीं। आया नहीं। साया साया। कोई गाया जो साड़ी में है। साड़ी? लाल साड़ी। लाल चड्डा। एकदम डरावना लाल। खौफ लाग लाल। वो साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। काय हो? काय से लाए? जैसी रोशनी आई उसमें छाया और डरावना हो गया। फिर उसने और रोशनी मेरी आंखों पे भी डाली। चाचा जी ऐसे डराते नहीं है चाचा जी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। मैंने अपनी बालकनी में से अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो आप एक काम कीजिए बालकनी से तुरंत घर में जाइए और सो जाइए। अरे क्या सो जाइए? देखिए चाचा जी मोहनलाल मटका किंग का घर बहुत दिनों से बंद है। वहाँ पे कोई नहीं है। हाँ अरे
अरे तुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम जा अपनी बालकनी में जाके अपनी आंखों से देख। लेकिन चाचा जी। अरे भाई तू जल्दी जाके देख ले। हेलो 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 चाचा जी। क्या बोल रहे हैं वो, मोमबत्ती साड़ी वगैरह का इतना झाले नक्की? कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि मटका किंग मोहनलाल के घर में कोई साया है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है, वो उनकी आंखों पे रोशनी मार रहा है, मोमबत्ती जला रहा है। भगवान, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वो फ्लैट तो बंद है। अरे वही तो मैं कह रहा था उनको। कहीं चोर वोर तो नहीं है? जरा बालकनी में जाके देखिए ना। कौन मैं? तो कोई है यहाँ? और हाँ, देख के आता हूँ। काय झालं? कुछ नहीं। डर गए? नहीं डर नहीं गया, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा घबरा गए। हाँ नहीं नहीं, घबरा क्यों जाऊंगा मैं, तो ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अभी वो घर बहुत दिनों से बंद है तो वहां पे कोई कैसे हो सकता है ना। चाचा जी को जरूर वहम हुआ होगा, इसलिए ज्यादा सोचते नहीं है। चलो सो जाते हैं। चलिए। हाँ चलो चलो, मैं भी आती हूँ आपके साथ। डर रहे हैं ना आप? ओ काय तुम्ही, मराठी माणूस आ तुम्ही, मराठी माणूस। मराठा डरता नहीं है, डराता है। अपने पूर्वजों को याद करो, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे। मराठी माणसात जागा हो जागा। शाबास। अहो तू तारी वाजते संपली आता। आओ थांबा, अभी आले। कौन था वो इंसान, कोई साया या फिर कुछ और? जो भी था लेकिन चंपक चाचा ने कुछ तो देखा है मोहनलाल मटका किंग के घर में, और जो देख लिया उसकी वजह से चंपक चाचा की हालत खराब है। वो तूफान में सूखे पत्ते की तरह काम रहे, और अब देखने जाने वाले हैं सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। भिड़े को क्या नजर आया? क्या भिड़े वही देखेगा जो चाचा जी ने देखा है, या कुछ और देखेगा, या ये सब कुछ एक बड़ा भ्रम है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल के जवाब बड़े न्यारे हैं, और सवालों के जवाब के लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।